योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम का पदभार संभालते ही एक्शन में आ गए थे और अवैध बूचड़ खानों पर रोक लगा दी थी। अब उसी की तर्ज पर बिहार में भी अवैध बूचड़ खानों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पशु और मत्स्य पालन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 140 अवैध बूचड़ खानों को बंद करने की बात कही। साथ ही कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट के सचिव से राज्य के सभी बूचड़ खानों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इनमें लाइसेंस वाले और अवैध बूचड़ खानों को शामिल किया जाएगा। वहीं लालू की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने बूचड़ खानों को बंद करने की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बूचड़ खानों का बंद होना सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं किस तरह से बदल गई हैं। इस नई सरकार में नीतीश एक चेहरा है, सरकार तो सिर्फ बीजेपी चला रही है। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश ही क्यों ना हो, कमान तो बीजेपी के हाथ में है। बाकी के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल HSB News को सब्सक्राइब करें।